Hey guys, welcome back to YouTube channel. तो आज है आपके पास Honda Wanted segment की दो स्कूटर, मतलब दो मतलब Activa में दो स्कूटर, एक है Activa DLX और दूसरा है Top of the Line 8 Mark. तो आज की इस वीडियो में मैं बताने वाला हूँ इन दोनों स्कूटर में क्या क्या डिफरेंसेस है उसके बारे में, प्राइस वाइज वेल फॉर मनी प्रोडक्ट कौन सी स्कूटर है वो भी मैं बताने वाला हूँ. तो वीडियो को पूरा जरूर देखें और आप चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब भी जरूर करें. और मैं सब कर रहा हूँ अधिकारी ऑटोमोबाइल जर्नलिस्ट में जहाँ पे ऑन रोड एक्टिवा 110 डीएलएक्स का पड़ता है 1,01,000 के आसपास और एच मार्क की प्राइस लगभग 1,04,000 रुपए के आसपास. तो 4,000 रुपए किस बात की है, मतलब महंगा 4,000 क्यों है, कौन कौन सी फीचर्स आपको ज्यादा मिलता है एच मार्क से तो हर बार की तरह शुरू करता है सामने से. सबसे पहले यहाँ पे DLX में हमें LED हेडलैम्प दिया गया है, यहाँ पे इंडिकेटर हमें हेलोजन बल्ब के साथ मिलता है, बॉडी सामने फाइबर का और यहाँ पे मडगार्ड मेटल का, स्टीरियम मिलता है आपको. और एक्टिवा 110 और डीओ 110 का अगर आपको कंपैरिजन वीडियो देखना हो तो ऊपर आए लिंक से आप वो देख सकते हो. तो एक बार में बताते हैं चेंजेस आपको क्या क्या देखने को मिलता है. लुक वाइज फ्रंट में साइड प्रोफाइल और रियर में दोनों सिमिलर ही है, कोई भी चेंजेस नहीं किया गया है यहाँ पे. लेकिन चेंजेस है एक जगह, वो है व्हील पे. यहाँ पे एच स्मार्ट में हमें अलॉय व्हील देखने को मिलता है और DLX में हमें स्टील रिम दिया गया है वहाँ पे. ये एच स्मार्ट है फिर भी रियर में यहाँ पे हेलोजन टेल लैम्प दिया गया है, इंडिकेटर्स आपको हेलोजन बल्ब के साथ मिलता है. और व्हील्स की बात करें तो रियर में आपको 10 इंच का व्हील्स मिलता है दोनों में और फ्रंट में 12 इंच का. और टायर प्रोफाइल की बात करें तो फ्रंट में 90x90 का टायर प्रोफाइल दिया गया है और रियर में 90x100 का टायर प्रोफाइल दिया गया है दोनों स्कूटर पे. तो अभी आते हैं इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर की तरफ. तो दोनों में ही हमें एनालॉग इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर देखने को मिलता है, डिजिटल का ऑप्शन नहीं दिया गया है. हालांकि देना चाहिए था मेरे ख्याल से, ये 8 स्मार्ट है फिर भी इसमें हमें इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर एनालॉग भी देखने को मिलता है. और यहाँ पे ज़्यादा क्या मिलता है, कीलेस एंट्री, ये चाबी इसकी कीलेस एंट्री मिलता है 8 स्मार्ट में. और DLX में हमें रेगुलर वाला ही मिलता है, ऐसे चाबी से खोलना पड़ेगा ये चाबी. और साइड प्रोफाइल में एच स्मार्ट में हमें यहाँ पे एच स्मार्ट की बैजिंग देखने को मिलता है. इंजन स्पेसिफिकेशंस की बात करें तो दोनों में ही हमें 109.51 सीसी की इंजन दिया गया है सिंगल सिलेंडर. और पावर फिगर की बात करें तो दोनों स्कूटर ही इंजन सेम है, तो दोनों स्कूटर में ही आपको 7.8 PS और 8.9 Nm ऑफ टॉर्क मिलेगा. और फ्यूल टैंक की बात करें दोनों में ही हमें 5.3 लीटर्स की फ्यूल टैंक दिया गया है और 1.7 लीटर्स की रिजर्व टैंक. फ्यूल एफिशिएंसी की बात करें तो एक्टिवा DLX की फ्यूल एफिशिएंसी कंपनी ने अनबिल्ड नहीं किया, लेकिन एच स्मार्ट की कंपनी ने अनबिल्ड किया, वो है 50 km/h की. तो DLX में भी आपको यही मिलेगा 50 के आसपास, क्योंकि दोनों एक ही है बस. ये DLX है और ये एच स्मार्ट है, ये टॉप ऑफ द लाइन है इसलिए. और ये 4,000 रुपये महंगा है. महंगा किस लिए महंगा है, सिर्फ आपको कीलेस एंट्री मिलता है और ये नया ग्राफिक्स देखने को मिलता है, मतलब नया कलर स्कीम देखने को मिलता है. और एच स्मार्ट में आपको अलॉय व्हील देखने को मिलता है जबकि DLX में हमें स्टील रिम देखने को मिलता है. बाकी कोई भी चेंजेस यहाँ पे नहीं किया गया है. अभी बात करें कि इन दोनों में से वैल्यू फॉर मनी प्रोडक्ट मुझे पर्सनली कौन सा लगता है. अगर वैल्यू फॉर मनी प्रोडक्ट की बात करें तो मुझे तो भाई DLX ही लगता है, क्योंकि 4,000 रुपये महंगा सिर्फ अलॉय व्हील के लिए और कीलेस एंट्री के लिए वो मैटर नहीं करता भाई, 4,000 रुपये महंगा मैटर करता है. तो DLX मेरे ख्याल से वैल्यू फॉर मनी प्रोडक्ट है. आपको कौन सा लगा कॉमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना. और एक चीज़, एच स्मार्ट में बूट स्पेस में यहाँ पे ये अनलॉक करना पड़ेगा. और एच स्मार्ट में यहाँ पे बूट स्पेस मिलता है हमें कुछ ऐसा, लेकिन यहाँ पे कहीं भी बूट लैम्प या फिर USB कनेक्टिविटी हमें देखने को नहीं मिलता, जो मेरे ख्याल से ये भी होना चाहिए था एच स्मार्ट में, क्योंकि टॉप ऑफ द लाइन है, नहीं मिलता जैसा कि हमें DLX में भी नहीं मिलता. लेकिन एच स्मार्ट में कम से कम कंपनी को देना चाहिए था, वरना एच स्मार्ट किस नाम की, बस अलॉय व्हील और कीलेस एंट्री के लिए. ये भाई मेरे ख्याल से इससे ज़्यादा ये वैल्यू फॉर मनी प्रोडक्ट है. और एक चीज़ जो होंडा को अपनी हर स्कूटर पे देना चाहिए वो है इसका स्टैंड. ये DLX है और ये है एच स्मार्ट, दोनों में ही आपको स्टैंड साइड स्टैंड आपको देखने को नहीं मिलता है. ये अलग से परचेस करना पड़ता है जिसका कॉस्टिंग अराउंड 2,500 के आसपास, जिसमें आपको स्टैंड के साथ साथ आपको सेंसर भी मिलता है कि अगर स्टैंड आपका नीचे है तो गाड़ी स्टार्ट नहीं होगा. तो ये तो भाई मैंडेटरी कर देनी चाहिए कंपनी को. ये एच स्मार्ट है फिर भी इसमें नहीं है, इसमें ना हो फिर भी चलता है भाई, ये 4,000 रुपये महंगा है लेकिन इसमें नहीं दिया गया है. और इन दोनों स्कूटर के बीच में होंडा ने एक और स्कूटर निकाली है वो एक्टिवा 110 सेगमेंट में, वो है इसका स्पेशल एडिशन.
ये रहा इसका स्पेशल एडिशन। इसमें क्या क्या ज़्यादा मिलता है, इसमें आपको नया लुक मिलता है, मतलब नया लुक मतलब नया कलर स्कीम मिलता है, ग्राफिक्स मिलता है आपको, और एलॉय व्हील मिलता है। इससे ज़्यादा आपको नया कुछ भी नहीं दिया गया है, बस यही है। और इसका जो प्राइस है 82,000 के आसपास, मतलब DLX और एच स्मार्ट के बीच में रखा गया है इसे। अगर आप लोग इंटरेस्टेड हो तो इसको भी ले सकते हो, मेरे ख्याल से ये लेना चाहिए अगर आपको DLX नहीं लेना हो तो एच स्मार्ट से। और प्राइसिंग की बात करें तो ये DLX है, इसका एक शोरूम प्राइस लगभग 80,000 के आसपास, और ये एच स्मार्ट है, इसका लगभग 84,000 के आसपास एक शोरूम। 4,000 रुपये महंगा इसीलिए, उम्मीद है समझ में आ गया होगा आप लोगों को कि कौन सा वाला आप लोग आपको लेना चाहिए। मैंने तो अपना ओपिनियन दे दिया, आपका ओपिनियन कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। और मैं इस वक्त खड़ा हूँ अधिकारी ऑटोमोबाइल ZS में, जहाँ पे ऑन रोड DLX का एक शोरूम लगभग 1,01,000 के आसपास और एच स्मार्ट की 1,04,000 के आसपास। तो भाई ये है दोनों स्कूटर में डिफरेंसेस, उम्मीद है आप लोगों को समझ में आ गया होगा। तो बस वीडियो यही तक है, बाकी वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर सकते हैं और चैनल को सब्सक्राइब। मिलते हैं अगले वीडियो में।